जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो मुगल सल्तनत की गद्दी पर एक ऐसा बादशाह बैठा जिसे कुछ इतिहासकार खर्चीले बादशाह कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुगल सल्तनत के पांचों बादशाह शाहजहां की। संपन्न सुबान में को एक हिंदू राजकुमारी जिसका नाम जगत गोसाई था, उसके पेड़ से शाहजहां की पैदाइश हुई। सन 1627 को शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां मुगल सल्तनत का सबसे शांति प्रिय बादशाह गुजरा है जिसने जंगों से ज्यादा महल बनाने पर ध्यान दिया। वो शाहजहां ही था जिसने ताजमहल और लाल किला जैसी इमारत बनवाई जिनकी वजह से सरकार आज लाखों रुपए कमाती है। जामा मस्जिद बनवाई जिसकी वजह से हिंदुस्तान की दुनिया भर में अलग पहचान है। शाहजहां वो बादशाह था जिसने हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया। शाहजहां ने गो हत्या पर रोक लगा दी और हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर पाबंदी लगा दी। साल 1657 को शाहजहां बीमार पड़ गया और फिर हुआ शाहजहां के चारों बेटों में गद्दी के लिए युद्ध, जहां पर औरंगजेब को जीत हासिल हुई और मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर चालू हुआ, जिसकी हिस्ट्री आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारी किसी वीडियो को विनर का चैनल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप भी अपने चैनल को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो पिन कमेंट वीडियो को देख सकते हैं।